ये व्लॉग शादी से एक दो दिन बाद का व्लॉग है। उस दिन वलीमे वाले दिन हमारी बहन भी हमारे साथ ही घर पे आ गई थी, इसलिए उसकी बर्थडे गुजरी थी कुछ दिन पहले, तो उसने सेलिब्रेट नहीं की थी क्योंकि उसके हस्बैंड आउट ऑफ टाउन थे। तो मैंने उसे कहा था जब तुम आओगी तो मेरी तरफ से मैं तुझे कुछ बना के खिलाऊंगी। तो यहाँ पर मैं उसके लिए बना रही थी सिंगापुरियन राइस, जैसे मुझे आते हैं, ये मेरा स्टाइल है, ज़रूरी नहीं है सबकी रेसिपी सेम हो। और यहाँ पर मैं कैमरा सेट करने के चक्कर में मेरा लहसुन जो था वो ज़्यादा ही ना ब्राउन हो गया था, मुझे इतना ब्राउन नहीं करना था खैर, लेकिन एडजस्टेबल था। मैंने फ़ौरन से उसको मिक्स करके चिकन डाल दिया था। लेकिन इस शादी पे हमारे साथ इतने सारे मोए मोए हुए हैं ना, जिसके कोई कहने की इंतहा नहीं है। जिस दिन थी माइयों, उस दिन हमें जाना था लड़की वालों की तरफ, माल रोड की साइड पे, जमान पार्क के थोड़ा सा पास था। लेकिन रिक्शे वाले ने ऑनलाइन राइड करवाई, मुझे सही से पता नहीं था, और हम वहाँ पे 1.5 घंटा खड़े होकर कॉल करते रहे करते रहे। ना उन्हें समझ आई हम कहाँ खड़े हैं, और ना हमें समझ आ रही थी कि हम कहाँ खड़े हैं, उन्हें हम क्या लोकेशन बताएंगे हम कहाँ खड़े हैं। वो खूब हमें ढूंढ रहे थे और हम उनको देख रहे थे। कोई 1.5 घंटा जलालत के बाद वहाँ खड़े होकर इधर उधर देख के हम लोग वापस आ गए। और उस रात मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में एक अदद मर्द जो है वो आपके साथ हर टाइम होना चाहिए जब आप लोग घर से बाहर निकलें। औरतों को ना मर्दों से महफूज रहने के लिए भी मर्दों की ही ज़रूरत है। हम तीन लड़कियां रात का टाइम और हर आती जाते लोग ऐसे घूर रहे थे जैसे पता नहीं क्या है। इतनी अजीब सी ऑकवर्ड सी सिचुएशन थी ना, इसका कोई हिसाब नहीं है। उसके बाद एक दिन, दो तीन दिन के गैप से मेहंदी थी। मेहंदी का भी एड्रेस हमें समझ नहीं था आ रहा, और मेहंदी थी भी घर पे, वो थी अलरहीम गार्डन में। और ऐसा था कि रात का फंक्शन था मेहंदी का, और अगले दिन जो बारात थी ना वो दोपहर की थी, आप लोगों ने वीडियो में देखा होगा। तो अगर आप लेट नाइट तक बारात को एंजॉय करेंगे तो आप नेक्स्ट डे 12 बजे कैसे उठेंगे। और जिस दिन मेहंदी थी उसी दिन ही फौतगी हो गई थी एक फैमिली में, तो मम्मा वहाँ चली गई, और जब वो वापस आई तो थकी हुई थी, फिर हम लोग मेहंदी पे नहीं गए, वो हमने वैसे ही स्किप कर दी। बारात वाले दिन भी जब हमने गए, वो आपको मैंने व्लॉग दिखाया था, लेकिन उससे पहले हम लड़के वालों की तरफ गए थे, वहाँ से हमने जाना था आगे। तो वहाँ पे जाने में वक़्त भी हम थोड़ा सा आगे चले गए थे, लेकिन शुक्र है एक ही रोड हमें वापस बैक आना पड़ा था, लेकिन हम पहुँच गए थे। और वलीमे वाला दिन मेरा दिल इतना डरा था, मैंने कहा आज अगर राइड मेरी गलत बुक हुई, अगर अंकल ने कहीं और उतार दिया तो मम्मा ने मेरा सर बाहर देना है। अल्लाह अल्लाह करते करते वो हम वलीमे वाले दिन वहाँ पहुँच ही गए, और मेरी बहन वहाँ सबसे पहले पहुँच के बैठी हुई थी और इंतज़ार कर रही थी, कहती है इतना लेट आए हो। वहाँ से फिर वो हमारे साथ आ गई थी, फिर उसके लिए मैंने ये बनाया था चाइनीज़, खाया पिया और इन्जॉय किया। इतने सारे ज़िंदगी में रोज़ाना के जो है ना मोए मोए होते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, हर वक्त कोई ना कोई टेंशन, कोई ना कोई कुछ ना कुछ हुआ ही रहता है। खैर इसी चक्कर में ये बन गई थी। उसने अपनी दोस्त को भी इनवाइट किया था कि मैं आई हूँ, आके मुझसे मिल लेना और ये राइस बनाया ये भी खा लेना, लेकिन उसको अपने घर वापस जाना था, तो वो खाते साथ ही निकल गई। वो चली गई तो पीछे से उसकी दोस्त आ गई, उसको फिर हमने खुद ही सर्व वगैरह कर दिया था, खा लिया, उसने इंजॉय किया, चली गई। बस यही था आज का व्लॉग। बस नेक्स्ट मैं कोई व्लॉग बनाऊंगी तो फिर मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। मैं कोशिश कर रही हूँ मैं भी थोड़ी थोड़ी सी ना इस तरह व्लॉगिंग सीखूँ। अभी मुझे प्रॉपर तो नहीं आता सब कुछ, ना वीडियोज़ रिकॉर्ड करना ना एडिट करना, ये भी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं कैमरा किस साइड रखूँ, लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके मैंने ना सब कुछ मैनेज कर ही लिया था। और चूल्हे के पास ना फ़ोन हीटअप बहुत ज़्यादा हो रहा था, लेकिन जैसे तैसे करके ना रिकॉर्ड मैंने कर ही लिया, और आज इतने दिन गुजर गए हैं और अब मैं इसका वॉइस ओवर कर रही हूँ। इतनी सुस्त कह लें या इतनी मसरूफ़ कह लें कि अलग से स्पेस होता ही नहीं है कि जहाँ पे शोर ना हो, सुकून ना हो। अभी भी मैं गर्मी में बैठ के ना तो फिर ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, पसीने झूठ रहे हैं मेरे। खैर टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।